नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको बैंक के एडवोकेट की नोटिस आती है तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बैंक के एडवोकेट के लीगल नोटिस के। तो अगर आपके पास बैंक के एडवोकेट की लीगल नोटिस आए तो आपको क्या रिसीव करना चाहिए या नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं। तीसरा प्रश्न ये है कि उसका जवाब कैसे दें। और चौथा, उसका जवाब किसको दें। तो इन चार प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपने कोई भी लोन लिया है, चाहे कोई भी कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी वित्तीय संस्थान से। वित्तीय संस्थानों में बैंक भी आते हैं, प्राइवेट बैंक भी आते हैं, NBFC कंपनी भी आती है, पद पेटी संस्थाएँ भी आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती हैं, और छोटे मोटे जो भी आपके आजकल लोन ऐप्स हैं वो भी एक प्रकार से वित्तीय संस्थान माने जाते हैं क्योंकि वो डिजिटल है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपने इन वित्तीय संस्थानों में से किसी से भी लोन के रूप में, कर्ज के रूप में कुछ पैसा लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है और आपने अपना पेमेंट करना बंद कर दिया है, 3 महीने लगातार हो गए हैं, यानी कि 3 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आपका अकाउंट NPA हो जाता है। जब अकाउंट NPA 90 दिनों के बाद होता है तो फिर बैंक अपने लीगल डिपार्टमेंट का सहारा लेता है। तो लीगल डिपार्टमेंट में उनके वकील आपको लीगल नोटिस भेजते हैं। आपने देखा ही होगा कि आपने बहुत सारे वकीलों की नोटिस आपके आती है। तो अब इसमें समस्या ये होती है कि एडवोकेट की नोटिस आती है तो इसको रिसीव करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैंने हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बोला है, रिक्वेस्ट भी किया है कि देखिए कोई भी नोटिस आए तो आपको सभी नोटिस को रिसीव करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है, कन्फ्यूज़न है कि अरे नोटिस आपने रिसीव कर लिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरे आप नोटिस को रिसीव नहीं करेंगे तो भी जिम्मेदारी आपकी बनेगी, नोटिस रिसीव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोटिस रिसीव करने से आपको फ़ायदा ही फायदा होगा, इससे पता तो ये चलेगा कि इस नोटिस में क्या बातें कही गई हैं ताकि सही समय पे आप जवाब दे दें। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न था कि नोटिस का जवाब किसको दें, तो नोटिस का जवाब देखिए आप उस एडवोकेट को मत दीजिए, क्योंकि नोटिस का जवाब आप एडवोकेट को देंगे तो वो कहेगा कि भाई हमारा जो भी क्लाइंट है, जिसके बिहाफ पे हमने नोटिस आपको भेजा है, वो जो कहेगा हम वही कहेंगे। तो अगर उस नोटिस में लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आप पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो आप उस एडवोकेट को, यानी कि जहां से आपको नोटिस आई है उसका रिप्लाई देंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, वो लीगल एक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे काम करता है, उनके द्वारा निर्देश दिए जाने पर काम करता है। तो आपको उस वित्तीय संस्थान को रिप्लाई देना है या फिर उस वित्तीय संस्थान को आपको उस नोटिस का जवाब देना है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर 7 दिन के अंदर में पैसा नहीं दिया तो लीगल एक्शन हो जाएगा, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस नोटिस को कैंसिल कर दीजिए, हम 2 दिन के अंदर पैसा जमा कर देंगे। अब इस नोटिस का जवाब कैसे दें, तो देखिए नोटिस का जवाब देने के लिए आप 2 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पहले आप बढ़िया से नोटिस का रिप्लाई बनवाइए, अगर आपको नोटिस का रिप्लाई बनाने आता है तो बेहतर है, नहीं तो आप हमसे इस नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो पहले तो आपको मेल करना है उस वित्तीय संस्थान, यानी कि बैंक या NBFC या फिर प्राइवेट या फिर उस लोन ऐप के वेबसाइट पे जा करके उनका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है आप वहाँ पे उनको मेल कर सकते हैं। दूसरा, आप बैंकों को डायरेक्ट बाय पोस्ट कर सकते हैं, किसको करना है, रीजनल मैनेजर को करना है। तो इस तरीके से आपको मेल करना है, और कब करना है ये जब आपको नोटिस आ जाए तो उसके 1 हफ्ते के अंदर में करना है।
तो इस तरीके से एडवोकेट की नोटिस का रिप्लाई आप बैंक को करिए, न कि एडवोकेट को करिए, क्योंकि आप एडवोकेट को रिप्लाई करेंगे तो एडवोकेट नोटिस का जवाब नहीं देगा, वो नोटिस नहीं खेलेगा, 7 दिन का वेट करेगा, 7 दिन के अंदर में वो फिर केस कर देगा। एक बार आपके खिलाफ केस फाइल हो जाती है तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर उस केस करने का भी पैसा बैंक आपसे मांगेगा। तो हमेशा याद रखिए, नोटिस रिसीव कर लीजिएगा, नोटिस का जवाब एडवोकेट को नहीं देना है, नोटिस का जवाब आपको बैंक को देना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।